आपको आज अच्छी बात बताता हूं, घर में कोई बेटी की शादी नहीं हो रही हो, घर में कोई मंगल दोष के कारण तकलीफ हो रहा हो, देखो मंगल दोष से तीन चीज होता है महाराज। क्या क्या चीज? बच्चियों की शादी नहीं होना। कई लोग होंगे आप, आपकी बच्ची की शादी विलंबित होती होगी, कोई हो तो हाथ ऊंचा करो, मैं एक अच्छा उपाय बता देता हूं आप। हाँ, दूसरा रोग, घर में रोग सता रहा हो, कई घरों में रोग घर नहीं छोड़ता है, कितना ही हॉस्पिटल का खर्चा करो, कितना ही दवाई की खर्चा करो, बीमारी नहीं मिटता है। रोग ऋण वर शत्रु, रोग ऋण वर ये मंगल के कारण होता है, उदारी हो जाती है, चुकता नहीं है, कितना भी मेहनत करो उदारी चुकती नहीं है, रोग हो जाता है मिटती नहीं है, शत्रु हो जाते हैं छोड़ते नहीं है। कार्तिकेय भगवान को षष्ठी के दिन व्रत करो, शुक्ल पक्ष की षष्ठी या कृतिका नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन व्रत करो। आप देखो अपनी बेटी के नाम से व्रत करके देखो मंगलवार के दिन कार्तिकेय भगवान का, और षष्ठी के दिन या कृतिका नक्षत्र महीने में आए हर कृतिका का व्रत करो। तीन कृतिका होने के पहले बेटी की सगाई हो जाएगी, गारंटी है। तीन कृतिका होने के पहले रोग नष्ट हो जाएगा। भरणी नक्षत्र के बाद कृतिका आती है, भरणी नक्षत्र आती है अगले दिन कृतिका नक्षत्र आती है, तो कृतिका में व्रत करें कार्तिकेय भगवान का। मंगल ग्रह कार्तिकेय पूजा से प्रसन्न होते हैं और किसी से प्रसन्न नहीं होते। भगवान कार्तिक की पूजा जो करते हैं मंगल प्रसन्न होके तुरंत उनकी कन्याओं की विवाह करा देते हैं, रोग मुक्त कर देते हैं, कष्ट मुक्त कर देते हैं, संकट मुक्त कर देते हैं। ऐसे भगवान कार्तिकेय, ऐसे कार्तिकेय भगवान को भगवती गोद में लेके बैठी होती है। कैसे बैठी होती है? गोद में लेके। शायद ये फोटो इतनी दूर से दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं दिखा, गोद में है भगवान, टीवी में तो दिख जाएगा लेकिन सामने दिखना मुश्किल है भाई। यूट्यूब में दिख जाएगा, थॉट योगा में दिख जाएगा, सत्संग में दिख जाएगा, मां स्कंद माता दिख रही है किसी को? जिनका आंख तेज है उनको दिखेगा, कोई नहीं दिख रहा बोल रहे हैं तो समझ लेना उम्र 50 से ऊपर जा रहा होगा, तभी गड़बड़ है। दिख रहा है? दिखे तो समझना जवानी है। किस किस को दिख रहा है? बच्चा दिख रहा है गोद में?